ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। मुंबई में इस साल की धुआंधार बारिश का पहला दिन है। बारिश ऐसा नहीं है कि कोई नई आई है, बारिश इतनी है जितनी हर साल पड़ती है, पर पूरा जो व्यवस्था कहा था, बीएमसी ने वादा किया था कि सारा नाला क्लीनिंग हो चुकी है, ड्रेन्स की सफाई हो चुकी है, ड्रेन्स के जो भी ब्लॉक्स हैं वो हटा दिए गए हैं, डीसल्टिंग हो चुकी है, वो सारे वादे दिखाई पड़ गए कि वो झूठे वादे झूठे इरादे। और वही मुख्यमंत्री जाते हैं एक महीने पहले इंस्पेक्शन करते हैं, इस तरीके से नाले के सामने भी फोटो खींचते हैं, इस तरफ देखते हैं उस तरफ देखते हैं और दिखाते हैं किस तरीके से वो पूरा इंचार्ज है और वो काम ले रहे हैं बीएमसी से। पहले ही बारिश में दूध का दूध पानी का पानी हो गया, सबवे सबमर्ज है, अंडरपासेस पानी से भरे हुए हैं, ड्रेन्स क्लॉग्ड हैं, पानी बह नहीं रहा है, ट्रेन्स बंद हो गई हैं। इसकी वजह से स्कूल्स और कॉलेजेस को भी छुट्टी देनी पड़ी है। और वो जो डिजास्टर एंड रिलीफ मैनेजमेंट के मंत्री हैं ना महाराष्ट्र के, वो खुद उनकी ट्रेन अटक गई थी तो पटरियों पे चलते चलते वो मंत्रालय की तरफ वॉक करने की कोशिश कर रहे थे। तो दिखाई दे रहा है कि जब आपका पूरा ध्यान सिर्फ भ्रष्टाचार से में लिपटा हो, जब आपका पूरा ध्यान सिर्फ राजनीति, और वो भी जो राजनीति, जो ऐसी राजनीति जो जनता के खिलाफ वाली राजनीति है करने में लगी हो, जहां आपका ध्यान सिर्फ आने वाले चुनाव में लगा हो, तो जनता की आप परवाह नहीं करेंगे, जनता सेकेंडरी हो जाती है। और वही आज मुंबई ने देखा है और मुंबई भुक्त भोगी फिर से बनी है। इस तरीके के झूठ परोसे जाते हैं, जनता का काम नहीं किया जाता है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो पहली बारिश है, पता नहीं आने वाले समय में, पूरा मानसून सीजन अभी चल रहा है, कितनी बार ऐसी बारिश होंगी और कितनी बार मुंबई की पूरी व्यवस्था को फिर से स्टॉप कर दिया जाएगा। शर्मनाक है। और मैं मानती हूं कि बीएमसी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, राज्य सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और खास करके वो मुख्यमंत्री जो फोटो अपॉर्चुनिटीज में ज्यादा विश्वास करते हैं, फोटो ऑफ जाकर इधर उधर लेफ्ट राइट ऊपर नीचे देखते हैं, वो जनता को बरगलाना बंद करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।